हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज एक प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेक ब्रेस की जरूरत क्या होती है और ये क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि आप जब राइड करते हैं, कोई भी हेलमेट जब आपका होता है तो आपको इन केस ऑफ इंपैक्ट आप अपना सर तो बचा लोगे, ठीक है, बट देन बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आप अपना नेक को तोड़ लो। या जो हेलमेट अगर अपना काम सही करे, उसके लिए आपको हेलमेट को सही पोजीशन पर रखना जरूरी है जहां पर आपका नेक ब्रेस काम आता है। नेक ब्रेस में मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं इन केस ऑफ इंपैक्ट। When you're riding, you can have couple of scenarios. आपको hyper flexion हो सकता है, जिसमें कि आपका helmet आगे जाके लगेगा। Hyper extension हो सकता है, इस तरह से lateral flexion हो सकता है, right या left में। और axial loading हो सकती है। Axial loading का मतलब ये है कि ऊपर से एकदम से कोई force आए, आपका मतलब head on impact हो और helmet आपको ऐसे जाके बैठे। Imagine करिए अगर आपका neck brace नहीं होता, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपका गर्दन आप easily तोड़ सकते हो। जो लियार्ड का रिसर्च पेपर है उसके हिसाब से 89% चांसेस हैं सर्वाइकल स्पाइन इंजरी को प्रिवेंट करने के इफ यू आर वियरिंग नेक ब्रेस। इनके प्राइसिंग की बात करते हैं, ये नेक ब्रेस यूएस में रेवजिला पे ये $400 का है। $400 का मतलब हो गया अराउंड 33,000 रुपीज। हम लोगों ने इसको लंदन से 25,000 रुपीज में लिया है, विच इज अ वेरी गुड डील। मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक 8,000 पर नेक ब्रेस। दो नेक ब्रेस पे हम लोग लाइक 16,000 रुपए बचा रहे हैं। आई हैव बॉट टू नेक ब्रेसेस, दिस इज फॉर मी, दिस इज फॉर उज्जवल। उज्जवल जीएस राइडर है इंदौर से। ये एक्चुअली राइडिंग सूट पे अगर आप पहनेंगे ना तो ये दिखता भी बहुत खूबसूरत है, फिजिकली देखने में इट लुक्स वेरी नाइस। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड नेक ब्रेसेस। डॉक्टर क्रिस लियार्ट ने म्यूनिक में बीएमडब्ल्यू मोटरराड के साथ पेंडुलम टेस्ट किए हैं, एक पूरे लैब में आरएनडी हुआ है और उसको उन्होंने 155 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है जो कि लियार्ड की वेबसाइट पे है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसका समरी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लियार्ड के पास एक पेटेंट है जिसको उन्होंने कहा है अल्टरनेटिव लोड पैच टेक्नोलॉजी, जिसपे ये पूरा नेक ब्रेस काम करता है। यहाँ पर लोड से क्या मतलब है, लोड से यहाँ पर मतलब है फोर्सेस का। कौन से फोर्सेस, बेसिकली जब कोई इंपैक्ट होगा तो फोर्स कैसे ट्रैवल करेगा। फोर्स ट्रैवल करेगा ग्राउंड से आपके सर पर, आपके सर से नेक पर, और नेक से थ्रू दिस नेक ब्रेस टू द लार्जर मसल ग्रुप्स ऑफ योर बॉडी। तो बेसिकली आप मतलब नेक जो एक मतलब यू नो स्मॉलर बोन्स हैं, जो स्मॉलर नाजुक चीज़ है, नाजुक एरिया है आपका, उसको बचा के आप लार्जर ग्रुप पे आप फोर्स को ट्रांसफर कर रहे हो। यहाँ पर जो ये थोरासिक मेम्बर है ये बहुत क्रूशल है। थोरासिक मेम्बर एक्चुअली इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब इस पर इनफ फोर्स आप लगा दोगे तो ये अपने आप टूट जाएगा। एक इसका ब्रेक अवे पॉइंट है, इसका एक वीक पॉइंट है, उतना प्रेशर आप लगाने के बाद ये टूट जाएगा ताकि नेक ब्रेस ही आपको इंजर ना कर दे। अब हम बात करते हैं नेक ब्रेस के फीचर्स की। पहले हम समझ लेते हैं कि नेक ब्रेस में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं। नेक ब्रेस आप इस तरह से पहनते हो। नेक ब्रेस में जो आगे ये होता है, ये चेस्ट पैड्स हैं जो आपके चेस्ट पे आके बैठेंगे। ये थोरासिक स्ट्रट होता है, ये राइट हैंड साइड से ये नेक ब्रेस को आपको खोलना होता है। पीछे इसमें एक स्विच है, ये जो रेड वाला स्विच है, जब आप इसको प्रेस करेंगे ये नेक ब्रेस खुल जाएगा। और राइट हैंड साइड में इमरजेंसी रिलीज स्क्रू होता है। जब आप ये एक ही तरफ से खुलता है, राइट हैंड साइड से ही। अगर आपको इन केस ऑफ इंजरी या कुछ भी, अगर यू नो कोई इन केस ऑफ एक्सीडेंट, अगर आपको पूरा नेक ब्रेस निकालना है तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक हाफ टर्न देना है किसी भी चीज से, किसी भी मतलब यू नो किसी भी सिक्के से या किसी भी स्क्रू से, स्क्रू ड्राइवर से, व्हाटएवर इट इज, एक आप हाफ टर्न देंगे तो ये आप नेक ब्रेस को दो पार्ट्स के अंदर आप जुदा कर सकते हैं। वन इंपॉर्टेंट गाइड, अगर आप किसी रोड पर कभी कोई एक्सीडेंट आप देखते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है। सपोज क्यों ना, अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर आपको डर लगता है कि आपको पुलिस वगैरह के झंझट में नहीं पड़ना है, अगर आप किसी फिजिकली इंसान को देख रहे हो, आप हमेशा ध्यान रखो कि उसका एयरवे आप रिलीज कर दो, आप एयरवे उसका क्लियर कर दो। अगर फॉर एग्जांपल कोई इंसान इस तरह से मतलब यू नो हाइपर फ्लेक्शन में बैठा हुआ है या फिर यू नो इस तरह की कोई उसकी पोजीशन है, तो आप उसको एटलीस्ट ऊंचा कर दो, जिससे कि उसका विंड पाइप जो है ना वो क्लियर हो जाए, आपको एयरवे उसका क्लियर कर दो आप, ताकि मतलब बाय द टाइम द रेस्क्यू कम्स आई मीन यू मे प्रोबेबली सेव अ लाइफ। जब आप नेक ब्रेस को पहनेंगे तो आपको ये मेक श्योर करना है, ये इंस्ट्रक्शंस में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये आपको आवाज़ आना चाहिए। जब आपने लॉक किया, लैच किया, तो आपको आवाज़ आना चाहिए उसको। नेक ब्रेस को इस तरह से पहना जाता है। फिटमेंट में आपको ये देखना है कि आपका, जब आपने हेलमेट पहना हुआ है तो आपका रेंज ऑफ मोशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये पीछे थोरासिक स्ट्रट यहाँ पर टच होना चाहिए, आगे चेस्ट पर टच होना चाहिए। यहाँ पर जो शोल्डर पैड है ये
प्रॉपर बैठना चाहिए। इसमें अगर आपको गैप आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर इसमें गैप आ रहा है तो आपको एडजस्टमेंट करना होगा। रेंज ऑफ मोशन से मेरा यह मतलब है कि सपोज अगर आप नॉर्मल राइडिंग आप कर रहे हैं तो आपका जितना आपका हेड मूव आप नॉर्मली करते हो वो आपको इजीली होना चाहिए, ठीक है, ताकि मतलब फुल रेंज ऑफ मोशन आपको मिले। इंडिया में अक्सर मैंने ये देखा है इंडियन राइडिंग एंड ड्राइविंग सिस्टम में लोग ब्लाइंड स्पॉट चेक नहीं करते हैं। आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि हमेशा चेक करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जब आप राइड कर रहे हैं आपके मिरर में आपको पीछे का सब कुछ दिख रहा है, बट जो ब्लाइंड स्पॉट पे आपके कोई भी ट्रैफिक है ना आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, एंड इट कैन प्रूव वेरी डेंजरस स्पेशली इन कंट्रीज लाइक इंडिया, ठीक है। तो आपको हमेशा ब्लाइंड स्पॉट पे क्या है वो फिजिकली आपको खुद चेक करना चाहिए, सिर्फ मिरर से मिरर पर डिपेंड नहीं करना चाहिए आपको। यू शुड मूव योर हेड, चेक एंड देन प्रोसीड टू टेक इट अप। इसके मटेरियल के बारे में बात करते हैं। ये फाइबर ग्लास रीइंफोर्स्ड पॉलीएमाइड फ्रेम है, ये 5.5 आता है। एग्जैक्टली सेम चीज 6.5 में आती है जो कि कार्बन फाइबर का आता है। दोनों में फर्क सिर्फ वेट का और लुक का है। कार्बन फाइबर सिर्फ ब्लैक आएगा, मुझे पर्टिकुलरली व्हाइट चाहिए था, एंड ऑल्सो देयर इज अ डिफरेंस इन प्राइस। तो ये वाला जो नेक ब्रेस है दिस इज 1.7 पाउंड्स इन वेट। कार्बन फाइबर का जो होगा उसमें वेट रिडक्शन हो जाएगा, मतलब लाइक 1.4 पाउंड्स इन वेट। तो I mean, you would buy a carbon fiber because you want to buy a carbon fiber, not really weight, because मतलब weight यहाँ पर इतना ज़्यादा significant नहीं है। So guys, ये clip मैं अबू धाबी से record कर रहा हूँ। Actually ये 6.5 carbon fiber वाला जो version है ये मुझे अभी receive हुआ है। So this is how the box looks like। इसमें it says 6.5 and let me show you this is how the box looks like। ये exactly same ही है 5.5 का, सिर्फ इसमें weight का difference है। मतलब वेट का भी एक्चुअली अब हाथ में लोग है ना, आपको इतना डिफरेंस समझ में आएगा नहीं। इट इज जस्ट दैट इट गिव्स यू अ मोर प्रीमियम फीलिंग, इट्स अ कार्बन फाइबर एट द एंड ऑफ द डे। ये थोड़ा और पतला है उससे, आई मीन ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अगर इसके एडजस्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये माइंड ब्लोइंग है, मतलब एक्चुअली मैं भी हैरान हूँ इसको देख के। इसके अंदर आप देखेंगे ये जो रेड वाला क्लिप है, इस रेड वाले क्लिप को अगर आप अप करेंगे तो आप इसको आगे पीछे पूरा कर सकते हैं। इसमें चार सेटिंग्स तो यहीं पर है। उसके बाद अगर आप इसको पीछे देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 6 ऑप्शन है, मतलब 4 ऑप्शन आगे हैं, 6 ऑप्शन पीछे हैं, 10 ऑप्शन तो आगे और पीछे ही हो गए सिर्फ। एंड देन ये जो थोरासिक मेंबर है ये भी एडजस्टेबल है, इसमें एंगुलर एडजस्टमेंट्स आते हैं। ये जो रबर बुशेस होते हैं इसको लियार्ड की जो टर्म है वो इसको वेडजेस बोलते हैं। तो ये अलग अलग डिग्रीज के आते हैं, मतलब लाइक यू हैव 0, 5, 10 and 15 डिग्रीज जिसपे आप इसको सेट कर सकते हो। नॉर्मली मोस्ट प्रोबेबली सब ज्यादातर राइडर्स के साथ 5 डिग्रीज का जाता है जो कि इसमें स्टॉक लगा हुआ आता है। ये इट शुड बी ओके विद यू, बट यू कैन एडजस्ट इट। मटेरियल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मतलब नेक ब्रेस तो आप अब स्टील का बना देते तो उससे स्ट्रॉन्ग तो कुछ हो ही नहीं सकता फिर। बट देन पर्पस ये है इसका जो ऑल्टरनेटिव लोड पाथ टेक्नोलॉजी है उसको काम करने के लिए फ्रेम कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ये ब्रेक अवे पॉइंट इसमें यू नो अचीव किया जा सके। सारे जो नेक ब्रेसेस हैं ये सारे नेक ब्रेसेस सिर्फ फुल फेस हेलमेट के साथ ही काम करेंगे, ये हाफ फेस हेलमेट के साथ काम नहीं करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, लियार्ड एक पहली कंपनी है जिसने मोटरसाइकिल स्पेसिफिक नेक ब्रेस बनाए हैं। कार में आपका बस सीट बेल्ट होता है तो आपकी पोजीशन लॉक्ड होती है, मोटरसाइकिल में आप वो चीज़ नहीं अचीव कर सकते। अब इसकी साइजिंग के बारे में बात करते हैं। लियार्ड नेक ब्रेसेस एक श्योर फिट सिस्टम पर काम करते हैं, इसलिए फिटमेंट बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, इसको आप ध्यान से सुनिए। जब ऑर्डर कर रहे हैं आप नेक ब्रेस, आपको एक टेलर्स टेप लेना है, अपना चेस्ट का सर्कमफेरेंस आप मेजर करेंगे और उसके हिसाब से साइजिंग चार्ट को देख के आप ऑर्डर करेंगे। नॉर्मली ए मैन ऑफ माई फिटनेस या नियर बाय उनको लार्ज एक्सेल साइज आ जाना चाहिए, ज़्यादातर लोगों को ये साइज आ जाता है, ये दोनों लार्ज एक्सेल साइज ही हैं। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन इज़ मा सलाम।